इस 2024 के अंदर हमें काफी सारी एनिमी सीरीज कमाल की देखने को मिली है, जिसमें से मैं आज की वीडियो के अंदर टॉप 5 एक्शन बेस्ड एनिमी सीरीज बताने वाला हूँ, जो ऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल है और साथ में इनका इंग्लिश डब भी अवेलेबल है, तो तुम दोनों में से किसी में भी इसे देख सकते हो। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि सीरीज बहुत कमाल की है। बाकी हाँ, अगर अभी तक तुमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें ऐसे ही एनिमी रिकमेंडेशन की वीडियो टाइमली देखने को मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 5 पे हमें देखने को मिलती है बुचीगिरी, जहाँ बेसिकली एक हाई स्कूल है जिसके अंदर दो गैंग्स के अंदर काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है राइवलरी। लेकिन वहीं हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अराजिन ट्रांसफर हो जाता है, जिसे इन दोनों गैंग्स की लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इस बंदे को तो बस एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड बनानी है और इसे फैक्स करना है। जो तुम सीरीज देखोगे तो खुद अच्छे से समझ जाओगे, लेकिन यही जो इसका लड़कियों का चक्कर है, ये इसे मुसीबतों में फंसा देता है। लेकिन लकीली इस बंदे को एक दिन मिल जाता है एक जिन, जो उसकी बॉडी में एंटर करके उसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है, जिसके बाद सीरीज में काफी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलता है। स्पेशली सीरीज की कॉमेडी बहुत पसंद आने वाली है तुम्हें, और ऊपर से इसकी एनिमेशन का तो क्या ही कहना, क्योंकि मापा का ये प्रोडक्ट है, तो तुम उम्मीद कर सकते हो कि किस लेवल की एनिमेशन तुम्हें देखने को मिलने वाली है। और इसके बाद अगर तुम्हें टोक्यो रिवेंजर्स की टक्कर की कोई सीरीज देखनी है तो तुम विंड ब्रेकर को ट्राई कर सकते हो, ये तुम्हें काफी पसंद आने वाली है, जो फॉलो करती है साकुरा की स्टोरी को, जो अभी अभी टोक्यो आया है ताकि यहाँ के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे को डिफीट करके उसकी जगह ले सके। और ये बंदा सिर्फ चाहता नहीं है, ये एक्चुअली में उसके लिए काफी मेहनत करता है और बहुत पावरफुल भी होता है। बेसिकली बहुत बैडएस कैरेक्टर है ये, लेकिन ड्यू टू सम पास्ट ट्रॉमास और एक्सपीरियंस की वजह से ये लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है और बहुत ही जल्दी सोशली ऑकवर्ड हो जाता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें सीरीज में एक अच्छा खासा ह्यूमर क्रिएट करते हुए दिखाई देगी। लेकिन इस सीरीज का जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि वो सारी रॉ फाइट्स हैं जो हर बार तुम्हें गूज़बम्स देने का काम करेंगी। अब देखो, इस सीरीज का जो हिंदी डब है मुझे पर्सनली उतना ज्यादा पसंद नहीं आया था, तो मैंने तो इसे इंग्लिश डब और जापानीज डब में ही एंजॉय किया था। बाकी जिस लैंग्वेज में तुम देखना चाहो तुम उसमें इसे स्ट्रीम कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर तुम्हें हैरी पॉटर सीरीज पसंद है और ऊपर से तुम्हें ब्लैक क्लोवर भी पसंद आई है, तो तुम इन दोनों के हाइब्रिड सीरीज को भी चेकआउट कर सकते हो, जो बहुत तगड़ी है, यानी कि मार्सले मैजिक एंड मसल, जहां मेन कैरेक्टर एक ऐसी दुनिया के अंदर है जहां सभी के पास मैजिकल पावर्स है, लेकिन हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट मार्स इस सीरीज के अंदर मैजिक यूज नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं इस बंदे की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो टॉप नॉच है, जो इसे बहुत ज्यादा ओवर पावर बना देती है। काइंड ऑफ साइटामा एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर है जहां सारे लोग मैजिकल पावर से भरे हुए हैं और उसके पास मैजिकल पावर नहीं है, जो उसको जरूरत भी नहीं पड़ती है। ऊपर से इस सीरीज की जो स्टोरी है वो हैरी पॉटर की तरह ही एक मैजिकल एकेडमी के अराउंड फॉलो करती है, जो इस सीरीज को और इंटरेस्टिंग बना देती है, क्योंकि ये एकेडमी बार बार कोशिश करती है और मास को टेस्ट करती है कि वो यहाँ सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। वही जानने के लिए तुम्हें इस सीरीज को चेकआउट करना पड़ेगा, जो बहुत कमाल की है। तुम इसका हिंदी डब भी देख सकते हो, और अगर तुमने ये सीरीज पहले से देख रखी है तो तुम इसके जैसे ही सिमिलर सीरीज विस्टीरिया वॉर्न एंड शॉर्ट, जो इस समर सीजन में चल रही है, उसे भी ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद अगर तुम्हें अटैक ऑन टाइटन सीरीज पसंद है, जहां टाइटन से लड़ने के लिए हमारा एरन को टाइटन बन जाता है, तो मिलो कैफ्का से, जिसकी दुनिया में काइजू का खतरा हर दम बना रहता है, तो उन काइजू से लड़ने और उन काइजू को रोकने के लिए एक डिफेंस फोर्स बनाई जाती है, जिसमें हमारा कैफ्का भी जाना चाहता है, लेकिन हर बार वो उसके अंदर जाने से फेल हो जाता है। अब उसके पास ये लास्ट अटेम्प्ट होता है जिसके अंदर वो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता है, और उसी के दौरान वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक काइजू के अंदर। अब कैसे और क्यों, वो तो तुम्हें सीरीज देखने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जब जब ये बंदा इस काइजू के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है, तुम्हारे गूज़बम्स रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, दूसरा इस सीरीज का जो बीजीएम है वो बहुत ज्यादा तगड़ा है, ऊपर से इसकी एनिमेशन भी बहुत कमाल की है, तो इसे भी जरूर चेकआउट करना। एंड फाइनली इस ईयर की अब तक की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन एनिमी सीरीज, जहां एक ई रैंक का हंटर कैसे अकेले सोलो लेवलिंग करके बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है। बेसिकली ये एक हंटर है जो एक ऐसी दुनिया के अंदर है जहां पे डंजन वगैरह अपीयर होते रहते हैं, तो वहां एक ऐसी रेड के दौरान पे ये ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लेकिन एक सिस्टम इसे एज अ प्लेयर चुन लेता है, जिसके बाद जिन वो एक गेम की तरह अपनी दुनिया के अंदर लेवल अप कर सकता है और बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। तो इसकी जर्नी बहुत कमाल की देखने को मिलती है, जिसका सीजन 1 बहुत तगड़ा था, और सीजन 2 भी हमें नेक्स्ट जनवरी के आसपास देखने को मिल सकता है, जिसकी अनाउंसमेंट अभी हमें सितंबर मिड में देखने को मिलेगी। तो हाँ, ऐसी न्यूज वगैरह और ऐसी एनिमी रिकमेंडेशन के लिए हमें इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूँ। और हाँ, मैंने जितनी भी सीरीज अभी इसके अंदर बताई है, सभी का सीजन 2 और ये सीजन 3 अनाउंस हो चुका है, जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के अराउंड में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, और ऐसे ही एनिमी रिकमेंडेशन के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें वीडियो टाइमली देखने को मिलती रहे। और हाँ, अगर तुम्हारा ये डाउट है कि इन सारी एनिमी सीरीज को स्ट्रीम कहाँ से करना है, तो ऑब्वियसली तुम क्रंचीरोल का प्रीमियम लेके इसे वहां से स्ट्रीम कर सकते हो, वो भी ऑफिशियली तरीके से।
और उन्हें सपोर्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें जुगाड़ से देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके उसे ज्वाइन कर लो। जैसे ही इस वीडियो के ऊपर 100 का लाइक एम पूरा होता है, मैं तुम्हें सारी सीरीज वहां पे अपलोड करके दे दूंगा। बाकी हाँ, मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।